राह चलते युवती के साथ बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। युवती के विरोध करने पर आरोपी युवक गंदी गंदी गालियां देने लगे। इस दौरान छेड़खानी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। कटनी में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में पिता ने कहा कि तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्होंने बुरी नीयत से उनकी बेटी का पीछा करके हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी युवक गंदी गंदी गालियां देने लगे। अरे वो बच्ची की भी स्कूल जाती है, पढ़ रही है, ग्राम में पढ़ती है, वहां से लौट रहे थे तो इन्होंने सब छेड़खानी किए। पुलिस वालों ने बढ़िया इनको पकड़ लिया, जेल भेज दिया, जो बचे हैं उनको भी भेजेगा। और ऐसी घटना किसी के साथ नहीं घटना चाहिए, आज चाहे मेरी बच्ची हो, कलाब की हो, या गांव टोला किसी भी की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधी को तुरंत जेल भेज देना चाहिए। कुछ बच्चियों के साथ तीन लड़कों ने अभद्र भाषा एवं अभद्र टिप्पणी की थी, उसके फलस्वरूप एसपी साहब के निर्देशानुसार थाना प्रभारी एनकेजे एवं थाना प्रभारी कटनी के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई एवं उनको पकड़ के जेल भेजा गया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी नीरज दुबे ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन आरोपी युवक को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। छेड़छाड़ का मामला ग्राम सरसपाही में बच्चियां स्कूल से लौट रही थी, उसमें कुछ तीन गाँव के लड़के थे, गाँव के ही चौधरी अजय चौधरी और अन्य उसके दो साथी थे। बच्चियां लौट रही थी और वो गाड़ी किनारे खड़ी करके वहाँ पे कुछ अपना बातचीत कर रहे होंगे, जिसमें बच्चियों के साथ इन्होंने बदतमीजी करी, जिसमें महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।